तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल टेक्टिव दानिश पे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि WhatsApp की तरफ से है। तो अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं WhatsApp यूज़ करूँ लेकिन किसी को पता ना चले कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन, लेकिन दूसरे का आपको ऑनलाइन शो करेगा, वो अगर ऑनलाइन रहेगा लेकिन आपका शो नहीं करेगा उसके पास। कभी कभी आप WhatsApp यूज करते होंगे तो कोई ना कोई आपको मैसेज कर देता होगा कि आप अभी तक क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इस सबसे बचना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला WhatsApp यहाँ पे मेरा है और दूसरा WhatsApp आपको दिखा देते हैं यहाँ पे है, ये देख सकते हैं दूसरा WhatsApp यहाँ पे है। तो सिंपली अभी दोनों WhatsApp को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इस WhatsApp को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं मैं दूसरे वाले WhatsApp को यहाँ ओपन कर लिया और लास्ट सीन यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिंपली इसको स्क्रॉल करके छोटा कर लेता हूँ और दूसरा WhatsApp को ओपन करता हूँ। ये जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ ऑनलाइन शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन शो कर रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन शो कर रहा है। लेकिन मैं एक सेटिंग करूँगा जिससे कि इसमें फर्स्ट वाले में ऑनलाइन शो करेगा लेकिन दूसरे में ऑनलाइन शो नहीं करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑनलाइन दिखाई शो कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ से कुछ मैसेज भी करता हूँ तो फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ ऊपर में टाइपिंग दिखा रहा है, ये देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे टाइपिंग दिखाएगा लेकिन ऑनलाइन शो नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी मैं करता हूँ तो वहाँ टाइपिंग शो करेगा, ये देख सकते हैं टाइपिंग शो कर रहा है। और इसको जैसे ही मैं भेजता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ टिक भी ब्लू हो रहा है और यहाँ पर जा भी रहा है, ये देख सकते हैं मैसेज दोनों में, लेकिन यहाँ ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली अपने WhatsApp के इस सेटिंग में चले जाना है। ये थ्री डॉट से आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सेटिंग में आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको सामने ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा, ये देख सकते हैं। तो आपको अकाउंट वाले पर चले जाना है। अकाउंट वाले सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाएगा ऊपर में, तो प्राइवेसी में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बहुत तरह का ऑप्शन आ गया है। ये जैसे देख सकते हैं यहाँ ऊपर में ही लास्ट सीन एंड ऑनलाइन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये न्यू अपडेट के बाद ऐसा आया है। ये देख सकते हैं पहले तो यहाँ तक ये आता था एवरीवन माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट नोबडी, यहाँ तक ये आता था लेकिन ये ऑप्शन बाद में दिया गया है नीचे वाला। तो सिंपली आपको यहाँ ऊपर में जो एवरीवन है तो आपको यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन पर। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां तो सभी भी टिक करके और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपको लास्ट सीन पे जाना है और यहां पे ये एवरी वन पे कर देना है। अगर आपका सेम एज लास्ट सीन पे होगा तो एवरी वन पे कर देना है। जैसे ही आप देख सकते हैं यहां एवरी वन पे मैं किया और यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना दूसरा अकाउंट खोलता हूँ तो ये देख सकते हैं अभी तो ऑनलाइन शो कर रहा है लेकिन ये कुछ देर में ऑफलाइन शो करेगा, ऑनलाइन शो नहीं करेगा। ऑनलाइन शो कर रहा है यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ऊपर वाले में ऑफलाइन शो कर रहा है लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा, लास्ट दिन भी नहीं दिखा रहा और ऑनलाइन भी नहीं शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से टाइपिंग अगर करते हैं कुछ भी तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर टाइपिंग शो कर रहा है और इस वाले में भी अगर टाइपिंग करते हैं तो वो ऊपर टाइपिंग शो करेगा और मैसेज भी जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp में दिन भर ऑनलाइन रहिए लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक आप उसको टाइपिंग नहीं कीजिएगा उसका मैसेज आप देख सकते हैं आराम से लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि ये ऑनलाइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।